आज नमस्कार। आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है, जिसमें मैं बताने वाला हूं आपको कि VFX और ग्रीन स्क्रीन की सहायता से आप वीडियो को काफी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे कि आप थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस तरह का होने वाला है, जिसमें आपने देखा होगा कि इमेज के ऊपर से अप और डाउन होने पर इमेजेस जो है किस तरह से चेंज हो जाती है। तो सारा कुछ ट्यूटोरियल आज का होने वाला है, तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा काइन मास्टर एप्लीकेशन में, जिसमें मैं देने वाला हूँ आपको फुल ट्यूटोरियल VFX और ग्रीन स्क्रीन की सहायता से आप एक ह्यूमन इमेजेस को कैसे बदल सकते हैं गॉड इमेजेस के अंदर या किसी अदर इमेजेस के अंदर। तो सारा कुछ ट्यूटोरियल है आज का, तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा काइन मास्टर एप्लीकेशन। देख रहे दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे आने के बाद हम करते हैं काइन मास्टर पे क्लिक। तो हमने काइन मास्टर पे कर दिया है क्लिक और ये अभी ओपन हो रहा है। कंटिन्यू ऐप पे करते हैं क्लिक, करने के बाद हम आ जाते हैं क्रिएट न्यू पे, और क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं और 916 का रेशियो कर लेते हैं यहाँ से सिलेक्ट, क्योंकि हमें 916 रेशियो के अंदर इस वीडियो 916 का रेशियो सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से उस वीडियो को यहाँ से उठा लेते हैं, जिस वीडियो को हमें कन्वर्ट करके भगवान की वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर देना है। कैसे जो इस तरह की वीडियो बनती हैं, इससे जादुई मैजिकल वीडियो, तो उसके लिए हम चलेंगे अपने कैमरा के जो हमने वीडियो शूट कर रखा उस वीडियो को यहाँ से उठ लेते हैं उठा। तो यहाँ से हमने कौन सा एक सेकेंड यहाँ से एक वीडियो हमने ले रखा जिसको हम अभी बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने ये वीडियो यहाँ से उठा लिया और इस वीडियो को जैसे आप एक बार पहले इस तरह से आप इस वीडियो को शूट कर लेंगे कि ऐसे इस वीडियो में कैसे आप लगाएंगे ग्रीन स्क्रीन, और ग्रीन स्क्रीन वीडियो लगाने के बाद आप कैसे गॉड इमेजेस के अंदर या गॉड वीडियो के अंदर कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। तो सारा कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज़ बिना स्किप किए इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। तो एक बार आप इस वीडियो को देखिए कि मैंने इसको किस तरह से शूट किया है। तो आपको एक डंडी लकड़ी लेके इस तरह से आपको शूट कर लेना है और नीचे तक इसको बॉटम तक लेके जाना है, और उसके बाद आपको इस वीडियो के निकल जाना है। तो जैसे कि और तो बाकी का पोर्शन कर देना है कट। तो हम स्टार्टिंग में आ जाते हैं, तो हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसको कर लेना है सिलेक्ट और कैंची में जाके टर्न लेफ्ट कर देना है, और थोड़ा लास्ट में आके जहाँ से इस वीडियो का ख़त्म होता है तो वहाँ तक हम इसको ये यहाँ तक इसको सिलेक्ट तो हमने पहले से कर ही रखा है, तो इसको ट्रिम टू राइट कर देते हैं। ट्रिम टू राइट करने के बाद आ जाते हैं इसके स्टार्टिंग में, और यहाँ से चलते हैं हम लेयर में। लेयर में जाने के बाद मीडिया को करते हैं सिलेक्ट, और मीडिया को सिलेक्ट करने के बाद इमेज एसेट्स के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ से कर ले लेते हैं वाइट बैकग्राउंड। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो, आप मैंने यहाँ से वाइट बैकग्राउंड को कर लिया है सिलेक्ट। काफ़ी सिंपल वीडियो, आप भी इसको सीख जाएंगे बहुत जल्दी से, इतने अच्छे तरीके से शायद आपको कोई बताएगा नहीं। तो हम इसको कर लेते हैं थोड़ा जूम, यानी कि जितना हमारा बैकग्राउंड है उसके बराबर इसको कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों देख रहे हो, हमने इस तरह से इसको वाइट बैकग्राउंड लगा लिया, और इस कलर में जाने के बाद हम यहाँ से इसका ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हो, हमने इसको ले लिया ग्रीन, अभी हमारी ग्रीन स्क्रीन को हमने कर लिया सिलेक्ट, और जहाँ से डंडा वहाँ पे इसको लगा थोड़ा और ऊपर करके लगा लेते हैं, थोड़ा बिल्कुल नेचुरल सा लगेगा। और थोड़ा कर लेते हैं स्क्रॉल, ग्रीन स्क्रीन जो हमने ले रखा उसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करने के बाद जैसे आप देखो डिलीट बटन के ऊपर आपको जो प्लस का बटन दिख रहा है, इसको की फ्रेम बोलते हैं, तो यहाँ से आप कहीं की भी इसमें छपकी आ रही होगी, तो ये की वाले बटन को कर लेते हैं प्रेस। तो हमने यहाँ से एक की फ्रेम ले लिया है, और इस स्क्रीन को करते हैं थोड़ा स्क्रॉल। तो इतना स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। स्क्रॉल करने के बाद जो हमने ऊपर ग्रीन स्क्रीन लिया तो उसको थोड़ा मूव करा के लाते हैं नीचे, और जहाँ तक डंडा है वहाँ तक इसको लेके आ जाते हैं। तो बस इसको थोड़ा स्क्रॉल करते जाना है, और इसको थोड़ा उसी हिसाब से सेट कर देना है। और जैसे कि आप देखोगे तो की फ्रेम ऑटोमेटिक इस पर लगना शुरू हो जाएगा। तो हमने इसको मूव किया, और इसको आपको सही से सेट कर देना है इसको। तो मैंने इसको यहाँ तक सेट कर दिया, तो आप जैसे कि देख रहे हैं की फ्रेम ऑटोमेटिक यहाँ पे लग रहा है। तो इसको स्क्रॉल करते जाना है, और इसको इस तरह से सेट कर देना है,
और इसको इस तरह से मूव करा लेना है, इसको भी इसी तरह से मूव करा देना है। तो हम इसको अभी पूरा आपको बना के दिखाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं की फ्रेम ऑटोमेटिक लगना शुरू हो गया है। को थोड़ा हटा देना है इसको, क्योंकि यहाँ थोड़ा वीडियो में, तो यहाँ तक लेके इसको मूव कराने के बाद में इस स्क्रीन को फिर एक बार इस तरह से स्क्रॉल कर देना है, खींच देना, ड्रॉ कर देना है। और उसके बाद थोड़ा इतना फिर कर देना है और इसको हमने खींच के, तो जैसे आप देख रहे हो इसको पूरा लास्ट तक लेके आना है इसी तरह से। और अब इसको पूरा स्क्रॉल कर देना इस तरह से और ऊपर देख लेना है खुला ऑप्शन। तो आपको देख, जैसे आप देख रहे हो तो हमारी ग्रीन स्क्रीन पूरा लग के तैयार हो चुकी है। ठीक है, हम इसको प्ले करके देख लेते हैं और ऊपर इसका वॉल्यूम है उसको कर देते हैं म्यूट, जो हमने शूटिंग का वीडियो किया था उसको म्यूट कर देते हैं और इसको पूरा देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों देख रहे हो ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनके तैयार हो चुका है और हम इसको कर लेते हैं सेव। तो हमने इस वीडियो कर लिया है सेव, सेव एज करने के बाद हमारा वीडियो हो जाता है सेव। तो सेव होना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद 916 का रेशियो सेलेक्ट कर लेते हैं और क्रिएट पे करते हैं क्लिक। जो हमने गॉड इमेजेस पहले से डाउनलोड कर रखी थी, तो वहाँ से डाउनलोड में जाने के बाद हम एक यहाँ से गॉड इमेजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने हनुमान जी की इस इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया है और वीडियो के जितना वीडियो है की लेंथ है उसके बराबर इसको कर लेते हैं स्क्रॉल। और उसके बाद आपको जो आपने ग्रीन स्क्रीन बना रखी थी उस ग्रीन स्क्रीन को भी लेके आना है। तो लेयर में जाना है, लेयर में जाने के बाद मीडिया पे कर लेते हैं क्लिक और जो हमने पहले से वीडियो बना रखा है उसको यहाँ से लेके आते हैं। तो जो वीडियो हमने सेलेक्ट कर रखा था उसको हम यहाँ से ले आते हैं जो बना रखा था, तो उस पर करते हैं क्लिक और डबल क्लिक करने के बाद इसको कर देते हैं जूम आउट, फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो इसको एक बार इसको मूव करा के देखते हैं। तो जो गॉड इमेज है उसको थोड़ा और लेंथ इसकी बढ़ा देते हैं। तो वापस जाने के बाद जो हमने ग्रीन स्क्रीन वीडियो बना रखा था उस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को हम कर लेते हैं सिलेक्ट और क्रोमा में जाने के बाद इसको क्रोमा कर देते हैं इनेबल। तो क्रोमा इनेबल करने के बाद हम इसको कर देते हैं सेट। इतना कर लेते हैं की कलर, यहाँ से की का कलर सेलेक्ट करते हैं और इसको कर देते हैं ग्रीन। 50 और 44 का रेशियो कर लेते हैं यहाँ से, जो क्रोमा की का जो रेशियो है उसको 50 और ऊपर वाला 44 रहने देते हैं। और इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमारा ग्रीन स्क्रीन वीडियो कन्वर्ट टू गॉड वीडियो बन के तैयार हो चुका है। इस तरह का वीडियो आप भी बना सकते हैं, काफ़ी आसान है बनाना। तो आप जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा वीडियो बन चुका है। तो इस वीडियो को लास्ट में आने के बाद हम इसको थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं कट। तो कैची में जाने के बाद इसको स्प्लैट कर देते हैं और स्प्लैट कर लेने के बाद हम यहाँ पे करते हैं क्लिक और यहाँ से हम ट्रांजिशन इफेक्ट। तो आप इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट यानी एसेट में जाके सर्च स्पेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ट्रांजिशन इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने पहले से कर रखे हैं डाउनलोड। तो 3D फोल्ड बॉक्स के अंदर हम जाते हैं। तो यहाँ से आप जैसे कि आप देख रहे हो इस तरह से ये फोल्ड होगा और इसमें आप इस तरह के इफेक्ट भी लगा सकते हैं। तो हम नंबर 2 इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। तो उसके बाद एक बार प्ले करके देखते हैं। तो जैसे कि देख रहे हो काफ़ी अच्छा वीडियो हमारा बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें मिलती है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत खर्च होती है, काफ़ी दिमाग खर्च होता है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तो जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो बनकर तैयार हो चुका है और हम सेव पे करते हैं क्लिक और सेव एज पे क्लिक करने के बाद हमारा वीडियो हो जाता है सेव। तो दोस्तों
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।